जनाब सदर महफिल समर अब्बास कज़ाकी साहब और मेरी बहनों अस्सलाम वालेकुम। ये आप सब की कामयाबी है कि आज आप यहाँ पे जमा हैं। ये आप सब की मेहनत है कि आप यहाँ पे जमा हैं। एक वो वक्त था जब कुछ ही लोग हुआ करते थे, जब हम स्टूडेंट्स थे कुछ ही फीमेल्स हुआ करती थी, दो या तीन हम यूनिवर्सिटी में होते थे। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहनों की इतनी बड़ी तादाद आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में आप सबके बीच में बैठी हुई है और ये वाकई में लायक तहसीन है। उनके वालिदैन भी तारीफ के काबिल हैं जिन्होंने इतने एतमाद से इतने उसके साथ अपनी बच्चियों को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजा। और इसके अलावा हरामोश के लोग कौम कौन है? हम गयूर, गैरतमंद, जफाकश और मेहनती कौन है? हमने कभी हारना नहीं सीखा, हमेशा अपनी मेहनत से, लगन से, जद्दोजहद से, कोशिश से हमेशा हमने कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर, छोटी मोटी मसाइल को सामने रख के हम अपना कदम पीछे हटाएं? हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, अगले साल 10 कदम और आगे बढ़ाएंगे। खुद आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी जो मौजूदगी है यहाँ पे वो आपके यूनाइट होने का सबूत देती है, मुत्तहिद होने का सबूत देती है। यही आपकी कामयाबी का राज है। आगे बढ़े, हम मौजूद हैं आप लोगों के साथ, तालीम हासिल करें। देखो ना, आज कल तालीम का दौर है। तालीम के बगैर कोई भी घराना या फिर कोई भी इंसान जो है उसे हम काबिल या फिर पढ़ा लिखा हम नहीं कहते। तालीम जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। हमारे वालदेन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मुशक्कत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, क्यों करते हैं? इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? इसलिए ताकि हम पढ़ सकें, हम आगे बढ़ सकें। यूनिवर्सिटी आपका बेस है, यहाँ से आगे आपने बढ़ना है, हायर स्टडीज की तरफ जाना है। हमें बहुत खुशी होती है जब मैं सोशल मीडिया के अंदर पीएचडीज को देखती हूँ, हमारे इलाके के पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता लोगों की बातें जब मैं पढ़ती हूँ, वो भी इस नाम के साथ, हराम उससे ताल्लुक है इनका, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं बड़े फख्र से बताती हूँ कि इसका ताल्लुक मेरे हराम उससे है और मैं हरामुश की बेटी हूँ। मैं बड़े फख्र से ये बात कहती हूँ और अपने फख्र को डगमगाने ना दें। इल्तिजा है आपसे, मेहनत करें, तालीम हासिल करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें। कायद अजम का जो गोल है, काम काम और सिर्फ काम। तो इस वक्त आपका काम क्या है? आपकी तालीम है। अपने वालिदैन का वो जो सर फख्र से ऊंचा हुआ है कि मेरे बेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेरी बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनका सर आपने डगमगाने नहीं देना है। और ज्यादा टाइम लूंगी भी नहीं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। इल्म हासिल करें, एक बार फिर यही कहती हूँ, तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आए हो। और अपने वो बच्चे ने कहा कि अपने गर्दन से सरिये को निकालें, हम सब ने यही करना है। मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, जो भी हूँ, अपने गर्दन से सरिये को निकाल दें। वो कहते हैं ना कि जितना इंसान तालीम याफ्ता होता है उसके अंदर जितनी नॉलेज होती है, जितनी इल्म होती है, इतना वो झुक के चलता है। मुझे फख्र नहीं कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वातीन विंग की, मुझे फख्र है कि मैं हरामोश की बेटी हूँ। मुझे फख्र है कि इनके अल्फाज के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आप सबकी इस कामयाबी पर बहुत दाद देती हूँ। बेशक बहुत मेहनत की होगी उन लोगों ने आप सबको यहाँ पे बिठाने के लिए, और आप सब यहाँ पे वक्त निकाल के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और यही कामयाबी।